नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल एटम क्लासेस कुचामन सिटी में। मैं भरत वर्मा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन C3 प्लांट एंड C4 प्लांट, तो आज मैं लेके आया हूं आपको पार्ट 6 में, जिसमें हम बात करेंगे C3 व C4 प्लांट में मेजर डिफरेंस। जी हाँ, C3 व C4 प्लांट में जो मुख्य अंतर है उनकी हम बात करेंगे। तो नजर डालते हैं कि इसके मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है, तो लेके चलते हैं आपको पहले डिफरेंस पे। तो सबसे पहले बात की जाती है पहले डिफरेंस की, तो वो है कि CO2 का प्राथमिक ग्राही क्या है, मतलब ये जो है इन प्लांट्स की विशेषताएं हैं उनमें अपन देखेंगे कि किसमें ये होता है किसमें नहीं होता है, कौन सा किसका फैक्टर है कौन सा किसका फैक्टर है। तो पहला है CO2 का प्राथमिक ग्राही जो होता है वो कौन होता है, तो बात करते हैं C3 प्लांट की। तो C3 प्लांट में जो CO2 को जो सबसे पहले ग्रहण करता है C3 में, वो ग्रहण करता है RuBP। कौन ग्रहण करता है? RuBP ग्रहण करता है। यही हम बात करते हैं C4 प्लांट की, तो C4 प्लांट में जिसको ग्रहण करता है वो ग्रहण करता है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। तो ये था हमारा पहला डिफरेंस। बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की, तो यहाँ पे प्राथमिक उत्पाद जो बनता है मेजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 10+2 के अंदर जो है पिछले साल जो है क्वेश्चन पूछा भी गया था ये, कि जो है C4 प्लांट का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है, तो ये मेजर जो है डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो है कि प्रथम उत्पाद जो होता है वो CO2 जो फिक्सेशन होता है स्थिरीकरण होता है उसमें कौन होता है, तो यहाँ पे जो C3 प्लांट है उसमें होता है PGA। हमने देखा था C3 साइकिल के अंदर, आपको पता होगा जब मैंने पढ़ाया था वहां पे बन रहा था 3PGA, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था, तो इसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो होता है C3 प्लांट का जो है फर्स्ट स्टेबल या प्राथमिक जो है स्थायी उत्पाद होता है। यही हम बात करते हैं C4 प्लांट की, तो यहाँ पे जो है वो कौन है, वो है OAA ऑक्सलो एसिटिक एसिड। और मैंने आपको जब C4 चक्कर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था, मैंने कहा कि यहाँ पे चार कार्बन जो है प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है और वो कौन बनता है, वो बनता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड। अगले जो है डिफरेंस की बात अपन करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्राथमिक उत्पाद में जो कार्बन संख्या होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको रखना नहीं है, यहाँ पे आपको इसका जो है वो जो फंडा समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है वो क्या है, कि इसमें C3 आ रहा है तो ध्यान रखना है कि कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, मतलब 3 और C का मतलब कार्बन। तो ये आपको जो है ये वाला डिफरेंस जो आसानी से याद रह जाएगा। यहाँ पे सेम लॉजिक लगाना है, 4 और कार्बन कितने है 4, तो यहाँ पे कितने कार्बन होगी इसमें 4 कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी होगी, C3 में 3 होगी और C4 में कितनी होगी 4 होगी। अगली बात करते हैं कि इनके लिए जो एडेप्टिव जो है टेम्परेचर जो होता है वो कितना है, तो अनुकूल तापमान की बात अपन करते हैं, तो C3 के लिए जो है वो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। वाइल जब हम बात करें C4 की, तो यहाँ पे कितना होगा, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, और इससे ऊपर भी चला जा सकता है। तो ये था इसके लिए और ये था C3 के लिए। अगले डिफरेंस की बात करते हैं अपन, तो उच्च प्रकाश में CO2 की दर कितनी होगी, जब प्रकाश की इंटेंसिटी जब ज्यादा होगी हाई होगी, तो ऐसी स्थिति में जो CO2 उसका रेट जो है वो क्या होगा, तो C3 के लिए जो होगा वो होगा मध्यम, मतलब मॉड्यूलेट। कितना होगा? मध्यम होगा, मॉड्यूलेट होगा, जबकि C4 के लिए क्या होगा, हाई। क्या होगा? हाई होगा, मतलब हायर जो है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन होगी, दर होगी, और यहाँ पे क्या होगी, मध्यम मॉड्यूलेट होगी। बात करते हैं अगले डिफरेंस की, डिफरेंस नंबर 6 की, तो इसमें फोटो रेस्पिरेशन की जो है बात की जाएगी, प्रकाश श्वसन क्या होता है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रकाश श्वसन क्या होता है उसमें हम बात करेंगे, अभी डिफरेंस देख लीजिए। तो प्रकाश श्वसन जो फोटो रेस्पिरेशन है वो C3 प्लांट के लिए कैसा है, वो है हायर। कैसा है? हायर है। कैसा है? हायर है। जबकि बात की जाए C4 के लिए, तो यहाँ पे क्या है, नील, नेगलिजिबल, या हम बोलेंगे नगण्य, मतलब होता ही नहीं है। बात करते हैं अगले पॉइंट नंबर 7 की, तो इसमें बात की जाती है कि रूबिस्को का क्या रोल है, तो रूबिस्को क्या C3 में होता है क्या C4 में होता है, तो ये हम पता करेंगे जब हम डिफरेंस देखेंगे। तो दोनों के अंदर क्या है, यस लिखा हुआ, मतलब रूबिस्को दोनों में ही इनरोल होता है, मतलब इसका इनरोलमेंट जो है वो दोनों में ही अपनी जो है इंपोर्टेंस देता है, मतलब रूबिस्को जो है वो दोनों में, मतलब तो ये सिमिलिटी होगी इसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप नो यस करके जो है उसको गलत कर सकते हो। अब बात करते हैं उदाहरण की, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन दिया जाता है कि जो है निम्न में से क्रेंज आंत्र की किसमें पाई जाती है,
तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके उदाहरण की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसका जो उदाहरण है वो है गेहूं, व्हीट। क्या है? गेहूं, ठीक है। और गेहूं हम जानते हैं क्या, मोनोकॉट्स, ये भी आप ध्यान रखना आप। तो गेहूं जो है वो C3 का उदाहरण है। और बात करते हैं C4 प्लांट की, तो यहाँ पे जो है मक्का, चावल और ज्वार, एक और आप ले सकते हो गन्ना, शुगर केन, शुगर केन भी आप ले सकते हो। ये भी क्या है जो है इसका एग्जाम्पल है, C4 का एग्जाम्पल है। तो ये था, ये जो थे वो थे मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। अगर आपको किसी प्रकार का कोई जो है डाउट हो या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी टू अबाउट द C3 एंड C4 प्लांट डिफरेंशिएशन, ठीक है। और आपको अगर अच्छे समझ में आया तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार और आसानी से समझ सकते हो।